ये मामा खा लिया उसने, थोड़ा सा भी शेयर नहीं की। हाउ मीन त्रिशा, आइसक्रीम देके कंट्रोल ही नहीं कर पा रही। क्या कर रहे हो? गुड आफ्टरनून। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मेरे चैनल के साथ साथ मेरी बेटी की भी चैनल के में आप सबका स्वागत है। तो पूर्णिमा पैशन ब्लॉग एंड जूनू सिंपल लाइफ, एक साथ में दो दो वीडियो आप एंजॉय कीजिए। हाफ टाइम मेरी बड़ी बेटी की वीडियो होगी और बाद बाकी सब मेरे ब्लॉग होंगे। तो दोनों ब्लॉग एक साथ में मैंने मिक्स मैच कर दिया है। आई होप आप सब बहुत इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे बेटी अभी खाना जो बनाएंगी, जो उनके कुक है वो आएंगी, तो उनके लिए सब कुछ निकाल दे रही क्या क्या आइटम्स वगैरह बनेंगी। और बेटी दो तीन आइटम वो बनाएंगी, बाद में की जो कुक है वो बनाएंगी। तो सब्जी वगैरह निकाल रही है। उन लोगों का घर में बहुत सारे रकम के सब्जी होते हैं, दिन में नहीं उन सब चार पांच आइटम होते हैं और शाम को भी दो तीन आइटम होते हैं। तो उनका घर में खाने का बहुत वो है। तो क्योंकि बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है और बंगाली लोग खाते हैं, आप सब जानते हैं मशहूर है खाने में। तो कितने रकम के सब्ज़ी होंगे, कितने रकम के फ़िश, चिकन हो मटन हो, एक साथ में होते हैं। जब भी फ़िश की होगी तो तीन चार रकम की फ़िश की होती है। तो बेटी सब जुगाड़ करके दे देती है, वो फिर काट लेंगी। जो आएंगे जो कुक आते हैं वो खुद ही काट वगैरह लेते हैं। लेकिन क्या क्या पकाना है तो मेरी बेटी की सासू माँ और बेटी दिखा देती है क्या क्या आज का मेनू में है, तो वही सब जुगाड़ कर देती है। सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मेरी बड़ी बेटी ही बनाती है, चाहे जो भी हो। वो सिर्फ दोपहर का खाना, जो कुक आती है दोपहर का खाना, और शाम के लिए एक सब्जी थोड़ा बहुत कुछ बना के जाती है, चाहे तो एग करी हो या तो कुछ सब मिक्स वेज हो बना के जाते हैं। बाद में कि गर्मा गर्म चावल दाल बच्चों के लिए, ऑमलेट वगैरह, आलू फ्राई, ये सब बेटी बना लेती हैं। और सुबह का जो मॉर्निंग का जो नाश्ता है वो खुद ही बेटी बनाती है, अलग अलग आइटम की बनाती है। बहुत अच्छी कुक है मेरी बेटी भी, बहुत अच्छी बनाती है। तो यहाँ पे फ्रिज से सब कुछ निकाल रहे हैं और क्या क्या बनेगी एक एक याद आती है और एक एक करके मतलब निकाल रही है। क्योंकि बच्चे का हर कोई हर एक का अलग अलग खाना है, बच्चे कुछ और मांगते हैं, बेटी कुछ और, बेटा कुछ और, पति हस्बैंड कुछ और। तो ऐसे सासू माँ क्या पसंद करती है, सबका ध्यान रखा जाता है यहाँ पर घर में। तो वही सब एक एक करके याद आता है तो वो निकालते रहती है। तो बहुत आइटम बनते हैं हर दिन हर रोज़। तो ये सब जुगाड़ कर देंगे तो फिर उसके बाद में बच्चे को नहलाएगी धुलाएगी, फिर ऊपर में छत में जाएगी कपड़ा वगैरह मिलने के लिए। थोड़ी बहुत वहाँ पे बैठती है, बहुत बढ़िया हवा चलती है छत पर टेरेस पर, तो वहाँ पे भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं वही दिखा रही हूँ, मैं बोला डेली रूटीन बेटी कैसा है उसका मैं आप सबसे वही शेयर कर रही हूँ। वो भी अपने ब्लॉग में देगी, आप सब जाइएगा ज़रूर पूर्णिमा फैशन ब्लॉग। और सच में बहुत अच्छा ब्लॉग बनाती है, मेरे से भी बहुत ज़्यादा सुंदर। तो आप सब जाइएगा ज़रूर और देखिएगा और फिर कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। तो यहाँ पे खाना बन चुकी है ऑलमोस्ट, बहुत रकम की बन चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक आइटम जो हो बेटी बना रही है आज, तो कुक बना के चली गई हैं। फिर बेटी अभी एक तो आइटम कर रही है क्योंकि उन्होंने कहा कि ये भी बना लेती हूँ। तो अभी टेरेस पर जाएगी, तो टेरेस पर जाने से फिर वहाँ पे देखते हैं क्या क्या करती है। तो हाफ टाइम के बाद मेरी ब्लॉग होगी। आई होप आप सब फुल वीडियो एंजॉय करेंगे। आप प्लीज़ फर्स्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कटोरी में प्याज है, आपका टमाटर है, लहसुन है और काजू बादाम भी है। इसमें सब बॉयल करके इसको पीस लेगी, पेस्ट कर लेगी मटन में या चिकन में देने के लिए। और यहाँ पे जो मेरी बेटी की टेरेस है, यहाँ पे टेरेस पर हम लोग गए हैं। तो देखिए यहाँ पे भोलू इसका नाम है, तो भोलू का अभी एज हो गया है इसलिए थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद आपको लग रहा है, थोड़ा कमज़ोर भी हल्का सा हुआ है। तो यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे बेटी लोग, नाती भी नातनी सब खा रहे थे, तो उसको भी थोड़ा सा दिया। ऐसे पूरा हेल्दी है मेरा जो दामाद जी है, बहुत जतन करते हैं इसको नहलाने से, सब कुछ लेके मेडिसिन वगैरह देना, टाइम टाइम पर खाना देना। और ये शायद देखिए सफ़ेद जो हम लोग जवा फूल बोलते हैं, लाल रकम का होता है, गुलाबी रकम का होता है, तो ये जो है जवा फूल ये सफ़ेद है। और कितनी प्यारी लग रही है सफ़ेद जो फूल है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। मेरा भी जब घर होगा टेरेस होगा तो मैं भी उसमें लगाऊंगी। तो थोड़ा सा वेट कर रहा
कम मिर्च का आइसक्रीम ली, उसको मीठा खाना बहुत पसंद है। होली को मीठा खाओगे? मीठा मीठा खाना, मीठा। तो यहाँ पे बेटी अभी कपड़े वगैरह जो वॉशिंग मशीन में ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, उसका ऑटोमेटिक वाले मशीन है, सब कुछ अपने आप कर लेते हैं, तो सुखा देते हैं, तो उसके बाद लेके थोड़ा सा टेरेस पर मेल देती है, आराम से सूख जाएंगे। शाम होने से भी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो दूसरे दिन मॉर्निंग में ले लेती है, क्योंकि छत दिया हुआ है तो कोई कुछ नहीं होता है, आराम से रहते हैं कपड़े, और बहुत हवा चलता है तो बहुत ही अच्छे से सूख भी जाते हैं। और वेस्ट बंगाल में ऐसे भी, कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्मी अभी पड़ चुकी है, हमारे आसाम में तो थोड़ी बहुत ठंडी है लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी। तो बेटी लोग बोल रहे हैं कि अभी एसी चलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अभी। तो गार्डन वगैरह जो थोड़ा बहुत है तो अच्छे लगते हैं, थोड़ा देख के देखिए कितना सुंदर सुंदर हर कुछ है। थोड़ा अभी बारिश का सीज़न नहीं आया, बारिश जैसे आएंगी सब पेड़ पौधे खिल जाएंगे, आप कितना भी पानी दो अपने से लेकिन उतना खिलते नहीं हैं। तो ये पुदीना है तो वही थोड़ी बहुत तोड़ रही है बेटी, कभी कभी शरबत वगैरह बनाती है तो उसमें दे देती है, या तो रायता वगैरह में दे देती है, या तो कभी चटनी बना लेती है थोड़ी बहुत जो कच्चे आम के साथ में, तो अच्छा लगता है। दादा खा 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 खा। बहुत दिन बाद आई हूँ जमीन में, तो ये सब जो डॉगी को मैं खाना वाना खिलाती थी, तो ये मेरा साउंड मेरा आवाज सुन के वो आ गए। तो मैं बिस्कुट लेके आई थी, और भी दो ठू है उन लोगों को भी देना है, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है अभी। तो कैसे हैं दोस्तों आप सब? तो ब्लॉग को अभी शुरू करी, इवनिंग टाइम है, अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं जा रही हूँ अपनी ज़मीन को। मैं संडे संडे को जाती हूँ, आजकल ऐसे नहीं जा पाती हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाती हूँ, देखती हूँ हस्बैंड यहाँ पे है या नहीं, नहीं तो मुझे वापस लौटना होगा, पता नहीं है या नहीं। हाँ है, है दिख तो रहा है। तो यहाँ पे तो हस्बैंड है, अंदर में है, मैंने बंद देखा गेट, तो मैं सोचा अभी गेट बंद है शायद हस्बैंड नहीं है, लेकिन ऊपर से मुझे दिखाई दिए पानी ले रहे थे सिंटेक्स से। तो चलिए मैं थाप जाती हूँ एकदम, मुझे मेरी सांस फूलने लगती है इतना ऊँचा उठते उठते। तो देखती हूँ क्या कर रहे हैं हस्बैंड। इसमें अभी तक फूल नहीं आया। ओ केला का पेड़ और उठा है ना, नया ना अभी, वो बकरी गाय नहीं खा रहा ना इसलिए। ये पता नहीं कैसे साउंड मिल गया मुझे। तंग किया तू? और चाहिए बिस्कुट? अच्छा दिया, आधा खाया, देखो ना। चल 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 चल, वो केला खराब हो गया, बढ़ेगा नहीं क्या? तो यहाँ पे दोस्तों डॉगी ने मेरे हस्बैंड को बहुत तंग किया है, उनको पानी भी नहीं देने दे रहे थे, इतना परेशान किया। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ थोड़ा सा हफ्ता में 2-3 दिन आके थोड़ा पानी वगैरह डाल दीजिए, नहीं तो पूरा पेड़ सूख जाएंगे इतने गर्मी में अगर पानी नहीं डालोगे तो। तो यहाँ पे डॉगी लोग भी बैठे हैं, हस्बैंड और मैं यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे बातचीत करेंगे, उसके बाद में थोड़ी जैसे अंधेरा हो जाएगी तब हम जाएंगे। और आज मोमोज खाने का दिल है तो देखते हैं, पहले तो चाय वगैरह पियेंगे फिर मोमोज खाएंगे अगर मिल जाएंगे तो, नहीं तो कुछ और बना लेंगे। तो घर जाऊँगी अभी थोड़ी देर में, बस अंधेरा ही होने वाले हैं फटाक से, यहाँ पर पहाड़ी इलाका में फट से अंधेरा हो जाते हैं। तो अब बातचीत करने में थोड़ी अच्छी लग रही है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर, और डॉगी लोग अभी पानी वगैरह बिस्कुट वगैरह खा के वो सो भी गए, और इनके जो माँ पिताजी थे वो भी चले गए अभी, तो ये मेरे सामने पाँव के सामने सोए हुए हैं, तो पेट भर चुके हैं और अभी इनका टेंशन है नहीं।
तो चलिए घर में आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मोमोज का मैंने ऑर्डर दे दिया था तो वो हमारे घर में देखे गए हैं, तो मोमोज इंजॉय कर रही हूँ। और ये चिकन मोमोज है तो बहुत टेस्टी एंड यम्मी है दोस्तों। तो रात में फिर बाद में मैं खाना बनाऊँगी, डिनर बनाऊँगी, तो डिनर बनाऊँगी 8 बजे से बनाऊँगी, फिर 9 साढ़े 9 बजे तक खा लेंगे। तो फ़िश करी होगी और एक फ्राइड होगी कुछ सब्ज़ी। तो चलिए बहुत ही यम्मी आपके लिए है, खाइए और मैं भी खाती हूँ। तो बहुत ही गर्मा गर्म है, टेस्टी। मैं एक ही साबुत मैं गोटा मैं मुंह में डाल देती तभी तो मज़ा आता है खा के। तो और ज़्यादा बोर नहीं करूँगी दोस्तों। ब्लॉग कैसा लगा आप सब बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे, मैं ज़रूर देखूँगी आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स। थोड़ी सी मुझे जवाब देने में देर हो जाती है, इसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैं जाती हूँ, सबके घर में देर हो जाती है, तो आप सब प्लीज़ माइंड मत